हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल टेक में। आज हम बात करते हैं IOCL मथुरा रिफाइनरी की, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन डेट देख लेते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन डेट है 7/1/2019 से स्टार्ट होगा और 28/1/2019 को क्लोजिंग है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल क्या है। सबसे पहले है जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन, जिसमें टोटल 32 सीटें हैं और इसे केमिकल वाले अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे जूनियर इंजीनियर पावर एंड यूटिलिटी, इसमें टोटल 2 सीटें हैं और इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसमें 13 सीटें हैं और इसे इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई करेंगे। फिर चौथे नंबर पर आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जिसमें 15 सीटें हैं और इसे मैकेनिकल वाले अप्लाई करेंगे। पाँचवें नंबर पर आपका जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें 6 सीटें हैं और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में क्या है, जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए 3 ईयर डिप्लोमा केमिकल और पेट्रोकेमिकल या फिर BSc चाहिए और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर इंजीनियर दूसरे नंबर पे हम आते हैं, जूनियर इंजीनियर पावर एंड यूटिलिटी, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चाहिए और साथ में चाहिए बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आगे तीसरे नंबर पे हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपका। चौथे नंबर पे आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का होना चाहिए। आगे पांचवा देखते हैं हम, जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। आगे आते हैं हम, देखते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है। ए कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 डिसिप्लिन इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 डिसिप्लिन ऑल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो कोई भी इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आगे देखते हैं क्या है, आगे अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन में देख लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इसमें कि गर्ल्स के लिए प्रोडक्शन और पावर एंड यूटिलिटी ये दोनों नहीं है। गर्ल्स प्रोडक्शन और पावर एंड यूटिलिटी में अप्लाई नहीं कर सकती हैं, इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है जिसके लिए गर्ल्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आगे आते हैं हम, अब एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट है 18 से, मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर है, जिसमें रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए 5 ईयर है और OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में फ्रेंड्स, इसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल होगा। रिटन रिजल्ट आने के बाद ही दूसरे दिन ही फिजिकल होता है और रिटन में हमें 40% मार्क्स लाने हैं। उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ है। उसके बाद तो कुछ ज़्यादा है नहीं, नीचे सभी इम्पोर्टेंट डेट दिया है,
तो आप लोग इम्पोर्टेंट डेट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें हम बता देते हैं आपको कि अप्लीकेशन ऑनलाइन होगा और वो 7/1/2019 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 28/1/2019 सबमिट करने का। और इस सबमिट करने के बाद हमें हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेके भेजना भी है, जो 4 फरवरी तक पहुंच जाना है। और रिटर्न डेट दिया है 17 फरवरी दिया है, टेंटेटिव है, अभी चेंज हो सकता है, वो 17 फरवरी कंफर्म नहीं है। और रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 22/2 को, ठीक है। उसके बाद फिजिकल होगा और फिर उसका रिज़ल्ट भी अपलोड किया जाएगा, किसका किसका सिलेक्शन हुआ। तो देख लीजिए आप लोग, ये इम्पोर्टेंट डेट है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।